बहुत आनंद के साथ में आपने पवन बांके बिहारी को सुना। एक दिन इनका लड़का भाभी जी के साथ कहीं जा रहा था, रास्ते में जैसे ही निकलने लगा तो एक जगह लड़के ने मम्मी से कहा कि मम्मी मम्मी यही वाली दुकान से फटाका लेंगे इस दिवाली में। मम्मी ने डांट लगाई, नालायक ये फटाके की दुकान नहीं, गर्ल्स हॉस्टल है। बोले कल तो पापा बोल रहे थे कि यहाँ एक से एक फटाका मिलता है। तो ये क्या बात, दिवाली की मस्ती होती है। बात नेताओं की कर रहे थे, एक हवाई जहाज था साहब, हवाई जहाज में एक नेताजी सफर कर रहे थे, एक स्कूल वाला बच्चा भी सफर कर रहा था। अचानक हवाई जहाज में तकनीकी खराबी आ गई, केवल दो पैराशूट थे। पायलट ने कहा कि बोले स्थिति ऐसी विकट आ गई है, केवल दो ही लोग की जान बच सकती है, अपने पास केवल दो पैराशूट है, केवल दो ही लोग सुरक्षित उतर सकते हैं। नेताजी ने आओ देखा ना ताओ फटाफट एक पैराशूट लिया, कूद गए। बच्चा बोला अंकल ये तो गड़बड़ हो गई, नेताजी एक पैराशूट लेके कूद गए, अब तो दो ही, अपने पास एक ही पैराशूट बचा। पायलट ने कहा कि बेटा चिंता मत कर, अपने पास दो दो पैराशूट है, नेताजी तो जल्दी जल्दी में तेरा बस्ता लेके कूद गए थे। लेकिन ये सारी मस्ती चलते रहेगी, आइए चुनाव की इस मस्ती में थोड़ी देर के लिए आप भी आ जाइए मस्ती में, कि हारेंगे या जीतेंगे, हारेंगे या जीतेंगे जी सारे हैं टेंशन में, अरे हारेंगे या जीतेंगे जी सारे हैं टेंशन में, अरे जाने किसका दांव लगेगा अब के इलेक्शन में, जाने किसका दांव लगेगा अब के इलेक्शन में। और चुनाव की स्थिति देखना, सिचुएशन देखना कैसी कैसी आती है, कि फोकट में ही मिल जाती है अब मुर्गे की टांगे, अरे फोकट में ही मिल जाती है अब मुर्गे की टांगे, और जी भर के पीने को मिलता है जी हमको बिन मांगे, और पीने वाले मस्त मस्त हैं ऐसे सिचुएशन में, और जाने किसका दांव लगेगा अब के इलेक्शन में। और भागम भाग मची है भयंकर, भागम भाग मची है भयंकर, नहीं रहा राम, चैन पड़ेगा तभी के जिस दिन आएगा परिणाम, चैन पड़ेगा तभी के जिस दिन आएगा परिणाम। और नेताओं की क्या स्थिति हो गई है, कि रात रात भर जाग रहे हैं नेताजी टेंशन में, अरे रात रात भर जाग रहे हैं नेताजी टेंशन में, जाने किसका दांव लगेगा अब के इलेक्शन में, जाने किसका दांव लगेगा अब के इलेक्शन में। और ये तो पता बाद में लगेगा कि किसका दांव लगेगा, लेकिन बहरहाल आइए हमारे बीच में खूबसूरत सी कवित्री यहां पर बैठी हुई है जिसका नाम है किरण सोनी, तो आइए हम उसको आवाज देते हैं उसकी सुंदर सुंदर कविताओं के लिए, किरण सोनी कोरबा से। दीपावली के इस शुभ अवसर पर जैसा कि आप सभी सुन ही रहे हैं हास्य और व्यंग का ये बहुत अच्छा सा माहौल सजा हुआ है, तो जिस तरह आप भी अपने घरों को सुंदर स्वच्छ और सुशोभित रखते हैं, बस हम भी यही मंगल कामना करते हैं कि आपका जो जीवन है अंधकार से प्रकाश की ओर चलायमान रहे, गतिमान रहे। इसी अवसर पर मैं चूंकि एक मूलतः श्रृंगार की कवित्री हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर एक सुअवसर दिया गया है इन सभी आदरणीयों के बीच में अपनी कुछ रचनाओं को पढ़ने का, तो मैं आज के इस जो चुनावी त्योहार अभी चला हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए चार चार पंक्तियां समर्पित करती हूँ आज के नेताओं और आज के मतदाताओं को, जिनको जिनकी जागरूकता को ध्यान में रखते हुए और नेताओं की जो अभी मुझे हम सबको दिखाई पड़ती है उदारता, उस उदार भाव को ध्यान में रखते हुए चार चार पंक्तियां उनको समर्पित करती हूँ, फिर मैं अपनी मूल भाव से आपको जोड़ूंगी। वाह वाह, स्वागत है, स्वागत है। बहुत अपने से लगते हैं, बहुत अपने से लगते हैं, नहीं होते हैं ये अपने, बहुत अपने से लगते हैं, नहीं होते हैं ये अपने, खुली आंखों से ये नेता दिखाते हमको हैं सपने, जो अपने वोट को एक बार इनके नाम हम कर दे, जो अपने वोट को एक बार इनके नाम हम कर दे। वाह वाह वाह, अब सुनिएगा, ध्यान चाहूंगी कि इन नेताओं की क्या उदारता होती है चुनाव के बाद, तो परिणाम स्वरूप क्या आगे रखती हूँ सुनिएगा, कि जो अपने वोट को एक बार इनके नाम हम कर दे, वाह वाह, दिखा कर पीठ कहते रह तू घर अपने मैं घर अपने, दिखा कर पीठ कहते रह तू घर अपने मैं घर अपने, बस इसी अब इसी भाव को आगे
बरकरार रखते हुए और चार पंक्तियां रखती हूँ और सुनिएगा कि चुनावी त्योहार में कैसा मौसम सजता है, उसका आनंद लीजिए। स्वागत है। चुनावों से घिरा मौसम बड़ा हलचल मचाता है, चुनावों से घिरा मौसम बड़ा हलचल मचाता है, कोई कश्मीर दिखलाए कोई केरल दिखाता है। तरह तरह की सुंदरता और हमें भेंट स्वरूप सभी चीजें मिलती रहती है, तो उसका आनंद लीजिएगा। कि चुनावों से घिरा मौसम बड़ा हलचल मचाता है, कोई कश्मीर दिखलाए कोई केरल दिखाता है, तुम्हारा वोट बस अपना है बाकी सब यहाँ सपना, तुम्हारा वोट बस अपना है बाकी सब यहाँ सपना, कि क्या है दल बदल का खेल ये मौसम बताता है, जी ये तो चुनावी बातें हो गई। अब चलिए मैं आपको अपने मूल भाव से जोड़ती हूँ और ये मैं बता दूं कि हम सभी का जो जितने भी संबंध हैं जितने भी रूप हैं सबको दिखाई पड़ते हैं, मूल संदेश और मूल जो एक भाव है वो तो प्रेम से ही जाता है, क्योंकि यही सनातन है, यही शाश्वत है। इसी को बरकरार रखते हुए थोड़ी इसकी परिभाषा प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। कि प्रेम सोम रूप है तो प्रेम विषयुक्त भी है, प्रेम सोम रूप है तो प्रेम विषयुक्त भी है, भावना जगाए जो ये छुपे नहीं छुपती, प्रेम सोम रूप है तो प्रेम विषयुक्त भी है, भावना जगाए जो ये छुपे नहीं छुपती, प्रेम में मिलाप भी है प्रेम में भी छोह भी है, जान के ये अगन बुझाए नहीं बुझती, और प्रेम में ना दंड कोई प्रेम ना घमंड कोई, सुनिएगा, कि प्रेम में ना दंड कोई प्रेम ना घमंड कोई, प्रेम भरी गागर डुबोई नहीं डूबती, और प्रेम में जो धैर्य हो तो राम मिल जाते यहाँ, प्रेम में जो धैर्य हो तो राम मिल जाते यहाँ, वरना ये जग तो छुड़ाए नहीं छूटती, प्रेम में जो धैर्य हो तो राम मिल जाते यहाँ, वरना ये जग तो छुड़ाए नहीं छूटती। वाह वाह। और आगे प्रेम को प्रस्तुत करती हूँ और क्या कहता है प्रेम इस पर समझिएगा। स्वागत है। कभी नाराजगी रहती कभी दीवानगी रहती, कभी नाराजगी रहती कभी दीवानगी रहती, मगर उल्फत दिलों में हो अगर तो ताजगी रहती, बहुत अच्छा लगे महबूब जो सजता हुआ दिखता, बहुत अच्छा लगे महबूब जो सजता हुआ दिखता, मगर भाता वही है दिल जहाँ पर सादगी रहती, मगर भाता वही है दिल जहाँ पर सादगी रहती। एक प्रेमी के हृदय में नए नए प्रेम का पौधा पनपता है तो क्या उसकी एक मस्त मौला वाली स्थिति होती है, उसको ध्यान में रखते हुए चार चार पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। स्वागत है। कि बदला बदला हुआ कुछ तो लगता है अब, बदला बदला हुआ कुछ तो लगता है अब, रंग कोई भी मुझ पे तो फबता है अब, तुझसे मिलते ही सब में वजह दिख रही, तुझसे मिलते ही सब में वजह दिख रही, बेवजह नूर चेहरे का बढ़ता है अब, बेवजह नूर चेहरे का बढ़ता है अब। आगे सुनिएगा इसी पर। कि होने का मुझे को मेरे सबब मिल गया, सबब का अर्थ आप सब जानते हैं, कारण, होने का मुझे को मेरे सबब मिल गया, ऐसा लगता है मुझको तो सब मिल गया, वाह वाह, पहले नजरों को भाता नहीं था कोई, पहले नजरों को भाता नहीं था कोई, तू मिला तो लगे कुछ गजब मिल गया, गजब का जवाब, तू मिला तो लगे कुछ गजब मिल गया।
बस अब अपने वापस एक गीत की ओर आपको ले चलती हूँ। और ये गीत की भूमिका कुछ ऐसी है कि जिस प्रकार प्रेम एक शुद्ध और बिल्कुल निस्वार्थ प्रेम की अनुभूति कराता है, जो भाव रखता है आपके हृदय में, जो आज के परिदृश्य में देखा जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं इस गीत के भाव को रखी हूँ। और आप समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आज के प्रेम को सामने वाले को क्या समझाना चाह रही हूँ। बोलोगे तो सब समझ रहे हैं आप, तो खाली बोलते जाओ। सुनिएगा। आज है प्रेम का ऐसा खुमार, आप सबका आनंद और मजा चाहूंगी मैं, सुनिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। कि आज है प्रेम का ऐसा खुमार, आज है प्रेम का ऐसा खुमार, आज है प्रेम का ऐसा खुमार कि कम से कम होता दो चार। सच्चाई है तभी आपका मैं। कि आज है प्रेम का ऐसा खुमार, आज है प्रेम का ऐसा खुमार कि कम से कम होता दो चार। नाप तौल कर ठोक बजा कर, नाप तौल कर ठोक बजा कर, इस पर कर न विचार, आज है प्रेम का ऐसा खुमार, आज है प्रेम का ऐसा खुमार कि कम से कम होता दो चार। क्या बात है। कि पहले नयनों से बातें करते थे कई हजार, कि पहले नयनों से बातें करते थे कई हजार, मंद मंद मुस्का कर होती थी आंखें दो चार, लेकिन सोशल होकर अब होता है प्रेम प्रचार, आज है प्रेम का ऐसा खुमार, आज है प्रेम का ऐसा खुमार कि कम से कम होता दो चार। और सुनिएगा, ये प्रेम का बुखार किस तरह से छह रहता है आजकल हर आयु वर्ग पर। कि प्रेम घुमा दे मती हो चाहे बच्चा बूढ़ा जवान, कि प्रेम घुमा दे मती हो चाहे बच्चा बूढ़ा जवान, कि चार से सेटिंग ना हो तो बढ़ता ना इनका मान। क्या बात है, क्या बात है, वाह। इनके दर्जे खुलते हैं, इनके पर्चे खुलते ही कोतवाल भी पड़े बीमार, आज है प्रेम का ऐसा खुमार, आज है प्रेम का ऐसा खुमार कम से कम होता दो चार। और अंतिम बंद रखती हूँ कि किस तरह से अब नाम भी बदल गए हैं। कि साजन सजनी बन बैठे बाबू सोना और जान, कि साजन सजनी बन बैठे बाबू सोना और जान, टैग करा कर सोशल होने में समझे है शान, कि अब माझी सब बने यहाँ, अब माझी सब बने यहाँ सबके हाथों पतवार, आज है प्रेम का ऐसा खुमार, आज है प्रेम का ऐसा खुमार कि कम से कम होता दो चार, कि नाप तौल कर ठोक बजा कर इस पर कर न विचार, आज है प्रेम का ऐसा खुमार, आज है प्रेम का ऐसा खुमार कि कम से कम होता दो चार। एक आदरणीय ने एक बेटियों पर बहुत अच्छी रचना रखी थी, जिससे मैं प्रभावित होकर एक अपनी छोटी सी रचना प्रस्तुत करना चाहती हूँ, अगर आदरणीय मुझे संचालक महोदय आदेश करें तो। पढ़िए पढ़िए। छोटी सी रचना है। हाँ। कि माने अपमान का न करती ही सब पर, कि माने अपमान का न करती ही सब पर, चाहे ऐसा जीवन ये जहाँ स्वाभिमान हो, कि माने अपमान का न करती ही सब पर, चाहे ऐसा जीवन ये जहाँ स्वाभिमान हो, और गरे अभिमान से ये जीना चाहे पग पग, गरे अभिमान से ये जीना चाहे पग पग, देना पड़े इनको क्यों चरित्र प्रमाण है।
चरित्र प्रमाण है कि नारी की बेटियां सुरक्षित क्यों घर में ही होती बस, कि बेटियां सुरक्षित क्यों घर में ही होती बस, सामाजिक सुरक्षा क्यों स्वप्न समान है, कि रावण तो हर युग होते विद्यमान पर, कि रावण तो हर युग होते विद्यमान पर, सीता भी बचेगी यदि कहीं हनुमान है, सीता भी बचेगी यदि कहीं हनुमान है। प्रेम प्रेम प्रेम, एक तो कवित्री इतनी सुंदर दिख रही थी, ऊपर से प्रेम की बात कर रही थी, और क्या क्या बढ़िया बढ़िया ऑफर दे रही थी कि बोले प्रेमी कम से कम 2-4 होना चाहिए, 3 तो यहाँ तैयारी बैठे। क्या जमाना आ गया साहब, सोशल मीडिया का जमाना ऐसा आ गया। वो तो मुझे बात याद आती, दिवाली का त्योहार चल रहा है, दिवाली का त्योहार शुरू हो गया है। ईमान से बता रहा हूँ, जब से ये सोशल मीडिया, ये जितनी मिठाई हम खाते नहीं ना सोशल मीडिया पे, उतनी मिठाई डिलीट करनी पड़ती है। क्या जमाना आ गया है। लेकिन प्रेम की इतनी बढ़िया कवित्री बैठी है, तो मुझे एक छंद याद आता है के काया से लुभावत है छवि मन भावत है। आप उस कवित्री को देखना और ये पंक्तियां सुनना कि काया से लुभावत है छवि मन भावत है, कैसा भी प्रवासी हो प्रवास छोड़ देता है, और तन यू थमक रहा सोने जैसा दम दम, तन यू दमक रहा सोने जैसा दम दम, देख वनवासी वनवास छोड़ देता है, और नयनों के तीर जब हृदय पे चलते हैं, नयनों के तीर जब हृदय पे चलते हैं, घोर उपवासी उपवास छोड़ देता है, और इतनी हो सुंदर की देख ले जो तुमको, तो खुद सन्यासी भी सन्यास छोड़ देता है। तो श्रृंगार की उस कवित्री को सुन रहे थे, और इसका ऐसा प्रभाव पड़ा, ऐसा प्रभाव पड़ा कि बगल में बैठा हुआ पवन बाके बिहारी एकदम सन्नाटे में आ गया, प्रेम में ऐसा मगन हो गया, मेरे से कहने लगा कि भोले भैया बैठे बैठे कहीं सो जाता हूं मैं, चलते चलते कहीं खो जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है। मैंने कहा ये प्यार व्यार नहीं है, कमजोरी का लक्षण है, डॉक्टर से ठीक से चेक करा। बहुत बढ़िया आदर है। ये सारी चीजें बात प्रेम की करते हैं, लेकिन प्रेम बचा कहां है साहब। प्रेम तो पहले के जमाने में होता था, प्रेम तो हमारे बुजुर्गों से पूछो उनके जमाने में प्रेम होता था, बिल्कुल घड़ी का टाइम सेट करके चौक पे खड़े रहते थे छोरे, कितने टाइम पे स्कूल के लिए यहां से निकलेगी, और लव लेटर लिखते थे तो देने की हिम्मत भी नहीं पड़ती थी, आदमी में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि उस जमाने में लव लेटर भी दे दे। थोड़े दिन के बाद में वही लड़की का बाप आता था, उन्हीं लड़कों से बोलता था कि सुनो रे बिटिया की शादी तय हो गई है, सारे लड़कों को आना है काम करने के लिए, सारे के सारे लड़की उसकी शादी में काम करने के लिए जाते थे, और जिस लिफाफे में लव लेटर देने की स्कीम बैठाई थी उसमें तो कन्यादान दे के आना पड़ता था, और मजा तो तब आता था कि एक साल के बाद डेढ़ साल के बाद में वही लड़की उधर से आ रही है, उसकी गोद में नन्हा सा बच्चा है, और वही लड़का इधर से आ रहा है, जैसे ही आमने सामने आए लड़की ने बच्चे से कहा कि बेटा बेटा मामा जी को प्रणाम करो। बहुत बढ़िया आदर है। प्यार तो उस जमाने में होता था, प्यार आजकल बचा कहां है साहब।